नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम आपको इस वीडियो में वो जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना तो जो कि कैबिनेट में पास हो चुकी है, परंतु इसमें हमें सब जानकारी भी है पर ये पता नहीं है कि इसमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है जिसमें हमें आवास बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे सरकार द्वारा, एक मुश्त दिए जाएंगे या किस्त में दिए जाएंगे, यही जानकारी आज आपको देने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से जो राशि है वो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत वो दी जाएगी। पहले उसमें हम जान लेते हैं कि उसकी पात्रता क्या है। ठीक है, अगर आपको पात्रता ही नहीं पता है तो इसमें आप आवेदन नहीं कर सकते। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे परिवार जिसके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आवास प्लस वाली लिस्ट में रिजेक्ट हो चुके थे, हमने उसका भी एक वीडियो बनाया है कि आवास योजना की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। ठीक है, वीडियो आप चेक कर लीजिए। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज नहीं है, ऐसे परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक और जातिगत गणना 2011 में नहीं है, ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत नहीं है, ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 1200 से कम है, जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन अथवा 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं है, जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन नहीं है और परिवार से कोई शासकीय सेवा में नहीं है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो है वो किस्त के रूप में आपको दी जाएगी। ठीक है, आपको एक मुश्त नहीं दी जाएगी, सभी जो आपको पूरे पैसे हैं वो किस्त के रूप में दिए जाएंगे। वही बताने वाले हूँ कि आपको कितने पैसे दिए जाएंगे और कब दिए जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। पर आपको पूरे में डिटेल देने वाला हूँ, कब कब पैसा मिलेगा, मकान किस स्टेज पर रहेगा, जब आपको कितना पैसा मिलेगा, यह सभी जानकारी आज आपको वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को अधिक शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टेज पर आपको कितने पैसे मिलेगा। ठीक है, अगर आपका आवेदन पास होता है, ठीक है, अगर आपका आवेदन पास हो जाएगा तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर, ठीक है, 15,000 रुपये जो तगारी फावड़े हैं, ठीक है, तगारी फावड़े उसके लिए आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अब 15,000 आपको मिल चुके हैं। ठीक है, अब आपने घर का काम स्टार्ट कर दिया और अब आपका आ चुका है जो आपकी भर्ती भराती है। ठीक है, आपने हाइट ले ली, अब भर्ती भरेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दे दी जाएंगे 40,000 की एक किस्त। ठीक है, 40,000 की एक किस्त दे दी जाएगी तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 55,000। ठीक है, अब 55,000 हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर हम फिर प्लस करते थे। ठीक है, अब आपके जो है वो भर्ती डाला चुकी है, उसके बाद जब आपका मकान हाइट पर आएगा, ठीक है, छत की हाइट पर आ जाएगा तो फिर से आपको 40,000 की एक और किस्त दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास पूरे 95,000 रुपये हो चुके हैं दोस्तों। अब आप बारी है छत डालने के लिए। ठीक है, अगर आप हाइट तक आ चुका है तो आपको मिल जाएंगे 40,000 की एक और किस्त, मतलब टोटल 95,000 रुपये अभी तक आपके खाते में आ चुके हैं। अब आपका जब छत डलेगा, जब आपका मकान पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेंगे फिर से कितने हजार, 15,000। ठीक है, ये हो चुके हैं हमारे पास 1,00,000 हो चुके थे। आपका छत अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कितने रुपए दिए जाएंगे, 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 15,000 जैसे आपका छत डलेगा उसके बाद आपको दिए जाएंगे 15,000। तो 15,000 हो चुके हैं टोटल आपके 1,10,000 रुपए आपके यहाँ पर आपको अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, आपका मकान कंप्लीट हो चुका। अब जो आपको पैसे आप 20,000 और मिलेंगे, ठीक है, तो वो कब मिलेंगे, तो जैसे कि आपने काम किया है तो यहाँ पर आपके यहाँ पर धाड़कियां भी आ रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से धाड़की है तो आपको जॉब कार्ड पर मिलेंगे। अब वो आपके खाते में नहीं आएंगे, वो जॉब कार्ड पर मिलेंगे कितने हजार, 20,000 रुपए अब आपके जॉब कार्ड पर दिए जाएंगे। ठीक है, 20,000 रुपए आपके जॉब कार्ड पर दिए जाएंगे तो आपको टोटल दिए जाएंगे 1,30,000 रुपए। ठीक है, 1,30,000 रुपए जिसमें से 1,10,000 रुपए आपको बैंक में दिए जाएंगे डायरेक्ट, और उसके बाद 20,000 जो है वो आपको अपने ग्राम के रोजगार सहायक के पास, अपने ग्राम पंचायत के सचिव महोदय से आप मिलकर अपना वर्क चढ़ा दीजिए, आपकी धाड़की चढ़वा दीजिए, उसके हिसाब से आपको इसके 20,000 रुपए मिलेंगे। तो टोटल आपको जो पैसे दिए जाएंगे
मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत वो आपको पूरे 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।